Assalamualaikum viewers, आज हम आपको प्लाजो की कटिंग करना सिखाएंगे कुछ अलग तरीके से। आइए इसको स्टार्ट करते हैं। ये देखिए, मैंने 1 मीटर कपड़ा लिया है, स्ट्रेचेबल कपड़ा है। पहले मैं आपको पेपर कटिंग करके बताऊंगी। ये लेंथ हो गई कपड़े की और ये विड्थ। पना बड़ा होता है कपड़े का, तो बड़े हुए पने यानी विड्थ की तरफ से हम कपड़े को फोल्ड करेंगे इसे ट्रायंगल के शेप में दोनों साइड से, इधर से भी और सामने वाले की तरफ से भी। देखिए, दोनों तरफ से ट्रायंगल शेप में आ जाएगा। बराबर बराबर फोल्ड करिएगा। ये देखिए, लेंथ हो जाएगी ये हमारी, यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो, और यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो आप बराबर रखिए। और इस लेंथ को भी मेजर कर लीजिए और इस लेंथ को भी मेजर कर लीजिए, ताकि हमारा बॉटम और वेस्ट सेम लेंथ का आए। बीच में से हम कट कर देंगे। देखिए, कटिंग होने के बाद सामने से ये ट्रायंगल की तरह नज़र आ रहा है। बंद वाले हिस्से की तरफ बंद वाला हिस्सा रखिए, खुले वाले हिस्से की तरफ खुला रखिए। एक पर एक दोनों को प्लेस कर लीजिए। ये बॉटम हो गया और ये लेंथ हो गई प्लाजो की, और यहाँ पे हमारा वेस्ट के। यहाँ से हल्का सा कर्व करके काटेंगे बॉटम का हिस्सा। ये देखिए, कट होने के बाद इस तरह दिखेगा। बंद वाले हिस्से की तरफ कर्व रखिएगा और वेस्ट वाला हिस्सा, ये लेंथ हो गई। आप चाहे जितनी लेंथ रखिए, मैंने 30 इंचेस के अराउंड रखी है, आप 29-30 और आगे भी रख सकते हैं। ये देखिए, खुलने के बाद इस तरह दोनों पल्ला नज़र आएगा। खुले वाले हिस्से को अंदर की तरफ रखिए, बंद वाले हिस्से को बाहर की तरफ रखिए। यहाँ का हिस्सा बहुत कम है वेस्ट का, तो ये जो कटिंग बची हुई है हमारे कपड़े की, दो तरह की है, एक ट्रायंगल शेप में है और एक और बड़ा कपड़ा बचा हुआ है नीचे की तरफ का। चाहे तो आप इसको लगा लीजिए, अगर फिटिंग वाला पहनते हैं तो ये ट्रायंगल शेप वाले कटिंग को आप ऊपर अटैच कर लीजिए दोनों हिस्से में, और नहीं तो ये बड़े वाले पेपर जो बचा हुआ है पेपर कटिंग से हमने निकाला है नीचे के हिस्से का, उसमें ट्रायंगल कटिंग करिए। ये देखिए, मैंने ट्रायंगल को भी और अच्छे से कट किया है। जितनी लेंथ लेनी, मैंने 13 इंचेस लेंथ ली है, उसके हिसाब से मैं कट करके आपको बता रही हूँ। और अगर ये कम लगता है तो आप ये देखिए, रेक्टेंगल शेप की कटिंग की है बड़े वाले हिस्से से जो कटिंग बची थी, तो इसमें आपका प्लाजो और ज़्यादा ब्रॉड हो जाएगा। आप इसको दोनों हिस्से में अटैच कर लीजिए और यहाँ से ऊपर से नेफा फोल्ड कर लीजिए इलास्टिक डालने के लिए, और यहाँ पर हम बॉटम में पिको कर लेंगे। आइए अब इसको कपड़े पर कट करते हैं। ये देखिए, मैंने वैसे ही ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। ये देखिए, ये फोल्ड किया हुआ हिस्सा है। यहाँ से यहाँ तक की लेंथ मैंने 3 इंचेस ली है, और ये जो लेंथ है ये मेरे कपड़े के हिसाब से 17 इंचेस आ रही है। आपके कपड़े का पना जितना भी होगा उसके हिसाब से वो आएगी। आप बराबर बराबर फोल्ड करने की कोशिश करिए। ये देखिए, यहाँ से यहाँ तक 3 इंचेस है। ये देखिए फोल्डिंग, और ये भी 17 इंचेस है।
देखिए फोल्डिंग बीच में से। ये देखिए एक बार और मैं आपको दिखा देती हूँ, ट्रायंगल शेप में फोल्ड किया है। ये देखिए एक तरफ से एक प्लाजो का बॉटम निकलेगा और दूसरी तरफ से दूसरा बॉटम निकलेगा। ये देखिए इसकी लेंथ मेरे कपड़े के हिसाब से 17 इंचेस है और यहाँ से यहाँ तक 3 इंचेस है। बिल्कुल इसी तरह दूसरी तरफ भी देखेंगे हम। ये वाली लेंथ देखिए 17 इंचेस है और ये वाली 3 इंचेस है। अब हम इसको बीच से कट करेंगे। ये देखिए बीच से कट हो गया है। अब हम इसको एक पर एक रखेंगे, बंद वाले हिस्से को एक तरफ रखेंगे और खुले वाले हिस्से को एक तरफ रखेंगे। ये देखिए बंद वाला हिस्सा, ये इधर से बंद वाला हिस्सा है। अब बॉटम, ये लेंथ और यहाँ तक जहाँ तक भी हमें लेंथ लेनी है, मैंने 30 इंचेस के अराउंड लेंथ ली है। हम इसकी मार्किंग कर लेते हैं। इसको हम थोड़ा तिरछा कट करेंगे नहीं तो बहुत नोक निकल आएगी। ये देखिए मार्किंग होने के बाद उस कोने से बंद वाले हिस्से की तरफ आप कर्व करिए तो बहुत ही सुंदर आता है वो, और अगर कर्व नहीं करेंगे तो नोक निकल आएगी। ये लेंथ और ये वेस्ट का हिस्सा। अब हम इसको कट करके अलग कर देंगे। ये देखिए हल्का सा कर्व लिया है, कितना अच्छा ब्रॉड बना है हमारा बॉटम। देखिए ये वेस्ट हो गया। अब बीच में हम जो कटिंग हमारी ऊपर और नीचे से बची हुई है उसमें से यहाँ पे हम वो कटिंग लगाएंगे ताकि ऊपर से वेस्ट के पास से और हिप के पास से अच्छी ब्रॉडनेस आ जाए और वो बहुत ही कंफर्टेबल बन जाएगा। ये देखिए पहले मैंने ट्रायंगल वाले पीस को सेट किया है, इसकी जो लेंथ होगी वो 13 इंचेस होगी। बीच में जो हम कटिंग ज्वाइन करेंगे ये 13 इंचेस ली है मैंने, और उसके बाद बचे हुए कपड़े को आप कट कर दें और दोनों प्लाजो के दोनों हिस्से को अटैच कर दें इसमें, और ऊपर से आप नेफा मोड़ दें इलास्टिक के लिए, या फिर जो बड़ा वाला कटिंग हमने बॉटम की तरफ से निकाला था यहाँ से, उसको मैंने देखिए मार्किंग करके रेक्टेंगल शेप में बनाया है। ये देखिए मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ, चाहे आप जो भी लगा लें, ट्रायंगल शेप लगाएं या फिर रेक्टेंगल शेप। रेक्टेंगल में और ज़्यादा ब्रॉड हो जाता है, मैंने इसे ही यूज़ किया है। यहाँ से आप पहले ज्वाइन कर लें फिर नेफा मोड़ लें इलास्टिक के लिए। ये देखिए सिलने के बाद ऐसा नज़र आएगा। मैंने रेक्टेंगल शेप वाली कटिंग लगाई है
13 इंचेस इसकी लेंथ ली है। 1 इंचेस के करीब मैंने नेफा मोड़ा है इलास्टिक के लिए। ये स्ट्रेचेबल कपड़ा है तो थोड़ा पेपर लगा के इसकी स्टिचिंग करने से ये इजीली स्टिच हो जाता है। नीचे से इसको और स्ट्रेच करके पिको किया है, बहुत ही सुंदर इसका लुक आ रहा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।